दोस्तों आज के इस नए एंड फ्रेश वीडियो में जानेंगे जो यूनिवर्सिटी व कॉलेज के जो छात्र हैं उनकी परीक्षा पे जुड़ी जो आज की लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चलिए बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप सभी को मालूम है कि भारत में लगभग जो बी ए बी एस सी बी कॉम एम एम एस सी एम कॉम के जो फर्स्ट ईयर के जो छात्र थे उनको तो प्रमोट कर ही दिया गया फाइनल रूप से, और जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाले हैं उसकी परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाएंगी। हालांकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों को प्रमोट किया है, सिर्फ फाइनल ईयर की परीक्षाएं कराने का अनाउंसमेंट किया है। तो जो आज की अपडेट आई उसकी ओर हम आप लोगों को ले चलते हैं। दोस्तों अगर आपकी यूनिवर्सिटी से अपडेट नहीं होगी तो वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भी अपनी यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट में जरूर लिखिए। ये एक दो तीन दिन पहले अपडेट आई थी तो मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन किया था कि इस यूनिवर्सिटी की जो परीक्षाएँ हैं सेकेंड ईयर या फिर अंतिम वर्ष की वो इस डेट से कराई जाएंगी और ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ऐसे होगा। तो उसमें कुछ अपडेट आई हैं डेट को लेकर, तो हम आपको बताने वाले इस वीडियो में, चलिए देख लेते हैं। लिखा है कि CCSU यानी कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी अपडेट है, यहाँ की उप मुख्यमंत्री की बैठक में बड़ा निर्णय, 2 जुलाई से होंगी परीक्षाएं, अब दोबारा जारी होगा कार्यक्रम। यानी कि पहले जो कार्यक्रम जारी करने की जो अनाउंसमेंट हुई थी उसमें अपडेट किया गया है। आप लोग अब जो लेटेस्ट अपडेट आया है आज का वो आप लोग समझिए, क्योंकि डेट भी देख लीजिए आप लोग पहले, अदरवाइज आप लोग कहेंगे कि फेक न्यूज़ है सर। यहाँ पर आप लोग डेट देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, दिखाया ना डेट, ठीक है आज ही की अपडेट है ना। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें, थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं। लिखा है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय CCU में 2 जुलाई और 8 जुलाई से शुरू होने वाली वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा का कार्यक्रम विश्वविद्यालय ने बदल दिया है। ओके, उप मुख्यमंत्री की साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि सारी परीक्षाएँ 10 अगस्त तक निपटाई जाएंगी। अभी तक जो विश्वविद्यालय ने परीक्षा कार्यक्रम बनाया था उसमें परीक्षाएं 27 अगस्त तक होनी थी, वहीं अब विश्वविद्यालय एक ही शिफ्ट में दो पेपरों की परीक्षाएं भी करा सकता है। इसको लेकर शुक्रवार को परीक्षा समिति की आपात बैठक बुलाई गई है जिसमें सभी निर्णय लिए जाएंगे। ओके, और लिखा है कि CCU कैंपस और कॉलेजों में 2 जुलाई से वार्षिक UG और PG की परीक्षाएँ शुरू हो रही हैं, 8 जुलाई से सेमेस्टर में UG PG की परीक्षाएँ होनी है। विश्वविद्यालय की तरफ से सारा परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। गुरुवार को परीक्षा को लेकर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कुलपति प्रोफेसर एन के तनेजा, रजिस्ट्रार धर्मेंद्र कुमार शर्मा के साथ ऑनलाइन बैठक की। बैठक में बताया गया कि विश्वविद्यालय की परीक्षाएँ 27 अगस्त तक चलेंगी, 27 अगस्त चलेंगी, जिस पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सारी परीक्षाएं 10 अगस्त तक खत्म कराएं। उन्होंने कहा कि अगस्त में ही रिजल्ट जारी करें ताकि सितंबर के पहले सप्ताह में कॉलेजों में नया सत्र शुरू कर दिया जाए या किया जा सके। ये सबसे बड़ी अनाउंसमेंट हुई कि सभी जो परीक्षाएं वो 27 अगस्त तक चलनी चाहिए, ठीक है, और ये सारी परीक्षाएँ 27 अगस्त तक चलेंगी, ठीक है, जिस पर मुख्यमंत्री ने सारी परीक्षाएँ 10 अगस्त तक खत्म करने के लिए आदेश दिए हैं, ठीक है। उन्होंने कहा अगस्त में ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा जिससे सितंबर में नया सत्र हम चालू कर सके। तो ये सबसे बड़ी अनाउंसमेंट हुई थी। फाइनली जो कल मीटिंग बुलाई गई उसमें देखो क्या निर्णय होता है, तो हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कर देंगे। लेकिन आज के लिए यही अपडेट था कि ये जो परीक्षाएं जो आप लोगों की उस डेट में होनी थी जो मैंने अपडेट दिया था वो अब इस डेट से होंगी और इस डेट से इस डेट के बीच में होंगी, और आप सभी की जो रिजल्ट है वो जब अगस्त मंथ में ही जारी करने की बात कही गई और सितंबर में नया सत्र लागू करने की बात कही गई। कल क्या निर्णय होता है उसके लिए आप लोगों को वेट करना होगा, हम आपको कल इन्फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।